माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं प्रेगनेंसी केयर विद दिशु में। मैं सुनीता आज आपके साथ में शेयर करूंगी कि मुझे पहले से कैसे कंफर्म था कि मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में बेबी बॉय ही कंसीव हुआ है और मैं 99% श्योर थी कि मुझे बेबी बॉय ही होगा। कैसे, क्यों, कब मुझे कंफर्म हुआ, आज मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगे, यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे ना आप लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है बिकॉज मैं इसी तरीके की और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाली हूँ और लाती भी रहती हूँ। फटाफट से वीडियो का कंटेंट स्टार्ट करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि मुझे पहले से कैसे पता था कि मुझे बेबी बॉय ही होने वाला है। फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी हो चुकी थी 2018 में। 2018 में मेरी पहली प्रेगनेंसी थी जिसमें मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया था। सबसे मेन फैक्टर होता है हमारा एक एक्सपीरियंस। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, प्रेगनेंसी हमारी पूरी हम देखते हैं, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं। लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट होता है प्रेगनेंसी। जी हाँ, हमारे पूरी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट होता है प्रेगनेंसी। कहीं ना कहीं मेंटल डिस्टर्बेंस हमें होती है, मेंटल हम स्ट्रांग भी होते हैं, बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, हर तरीके से हम अपने बॉडी चेंजेस को नोटिस करते हैं। सबसे ज़्यादा हम प्रेगनेंसी में अपने बॉडी को नोटिस करते हैं, बॉडी के चेंजेस होते हैं, बॉडी के मूड स्विंग्स होते हैं, माइंड के मूड स्विंग्स होते हैं, तो हर एक चीज़ को हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। सबसे मेन फैक्टर होता है क्या, एक्सपीरियंस। जब हम एक एक्सपीरियंस ले लेते हैं ना किसी भी चीज़ का, प्रेगनेंसी का या डिलीवरी का, तो हमें एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि हमारे साथ ये हुआ था, हमारी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट कर रही थी। तो ऑल ओवर मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो हमें पहले से कुछ भी नहीं पता होता है, बट जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है ना तो हमें पहले से सारी चीज़ें पता होती हैं कि पहली प्रेगनेंसी में मेरे साथ ये हुआ था, ये हुआ था, ये अच्छा था, ये बुरा था, मैंने ये खाया था, मैं ऐसे रहती थी, मेरा लाइफस्टाइल ये था। ऑल ओवर पूरी जो 9 months की लाइफस्टाइल होती है वो हमारे माइंड में होती है। जैसे ही हम कंसीव करते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट मंथ में तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम प्रेग्नेंट भी हैं। सो सेकेंड मंथ में हमें गुड न्यूज़ मिलती है, देन उसके बाद में हम अपने बॉडी चेंजेस को नोटिस करने लगते हैं। कुछ लोगों को तो पीरियड से पहले ही, पीरियड मिसिंग से पहले ही पता चल जाता है कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। ये आपका प्लस पॉइंट है अगर आप लोगों को पहले से पता चल जाता है। तो उसके बाद बात करूँ तो सेकेंड मंथ से हम बॉडी चेंजेस को नोटिस करने लग जाते हैं, हमारे खान पान को नोटिस करने लग जाते हैं। तो वही मैंने भी किया। जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी ना तो मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था। अच्छा, हर एक की बॉडी, हर एक लेडी की बॉडी अलग होती है। किसी किसी को बेबी गर्ल के टाइम पे बहुत मिर्च वाला खाना या बहुत तीखा खाना, इस तरीके का खाना अच्छा लगता है, बट वहीं पर कुछ लोगों को, बट हाँ ये मैं चीज़ ऑब्जर्व करके बोल रही हूँ, 80% लोगों का ऐसा ही खान पान रहता है जैसे बेबी गर्ल के टाइम पे बहुत मीठा खाना अच्छा लगता है और बेबी बॉय के टाइम पे बहुत तीखा खाना अच्छा लगता है। ये मेरे साथ था। मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत मीठा खाना अच्छा लगता था, बहुत लेजी रहती थी, बहुत आलस आता था। अगर मैं अपने स्किन की बात करूँ, अपने कॉम्प्लेक्शन की बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा स्किन अच्छी नहीं थी, हेल्दी स्किन नहीं थी मेरी, बहुत डल स्किन हो चुकी थी। कॉम्प्लेक्शन की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डल कॉम्प्लेक्शन हो चुका था, बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन हो चुका था। तो कॉम्प्लेक्शन की भी अगर मैं बात करूँ तो जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था ना सेकेंड प्रेगनेंसी में, तो मैं मेरा एक कलर जो था वो फेयर हो चुका था, कॉम्प्लेक्शन मेरा फेयर हो चुका था। तो मुझे कन्फर्मली हो गया था कि इस टाइम पर मुझे बेबी बॉय ही होने वाला है। लाइफस्टाइल मेरी पलट गई थी पहली प्रेगनेंसी से, तो कुछ चीज़ें तो नहीं, बट हाँ 90% तो मेरी लाइफस्टाइल चेंज थी फर्स्ट प्रेगनेंसी से। तो मैं पहले से ही कंफर्म थी कि मुझे इस टाइम पे बेबी बॉय होने वाला है। लेजीनेस की बात करूँ तो प्रेगनेंसी में, फर्स्ट जब प्रेगनेंसी रही थी मेरी, बहुत लेजी रहती थी मैं, खाना भी बहुत दिमाग को ऐसे सेटअप करके कि अब बनाना ही है, अब तो बनाए बिना रहा ही नहीं जा सकता। बहुत बार तो हमने बाहर से भी खाना खाया है, बट हाँ सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी मैं, कभी भी कोई भी काम कर लेती थी, डीप क्लीनिंग तक कर लेती थी, तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई सेकेंड प्रेगनेंसी में। फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई मेरे साथ में, बहुत मुझे लेजीनेस फील होती थी, बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन हो चुका था, लेजीनेस, डार्क कॉम्प्लेक्शन, और स्किन भी बहुत हेल्दी नहीं थी, बहुत डल हो चुकी थी। ऑल ओवर मैं बात करूँ तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बजाय मुझे सेकंड प्रेगनेंसी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी, बिकॉज अपने सारे काम करते हुए मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती थी। मूड स्विंग्स भी होते थे बट कम होते थे। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो बस कभी पता ही नहीं चल रहा कब रोना आ रहा है, कब हंसना है मुझे, कब बातें करनी है, कब मुझे सोना है, लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी थी। तो इन सब चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, कंपैरिजन कीजिए दोनों प्रेगनेंसीज में। अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी चल रही है या थर्ड भी है तो भी
कंपैरिजन कीजिए कि किस में क्या था, क्या चीज़ें ऑब्जर्व की थी आपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो इस तरीके से आप कन्फर्मली देख पाएंगे और श्योर हो जाएंगे कि आपको ये ही होने वाला है सेकेंड प्रेगनेंसी में। ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ आएगी, यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।